हाय फ्रेंड्स, हाउ टू एक्सेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीकाराम महतो। मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ कि एनवीडियो को डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उसके बाद अंत में कुछ सेटिंग्स। तो इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे। तो मैं गूगल में जाता हूँ, तो मैंने गूगल में मैं आ गया। गूगल में आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे nvaccess.org, जो NVIDIA का अपना साइट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं nvaccess.org और इसके बाद इंटर पे प्रेस करते हैं। मैं अब ये खुल गया है, साइट ओपन हो गया। अब टैब से हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला लिंक है nvaccess, ये भी NVIDIA का अपना साइट है जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट नीचे डायरेक्ट दिया हुआ है डाउनलोड का लिंक। तो हम लोग डाउनलोड पे इंटर प्रेस करेंगे। मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब ये NVIDIA का अपना साइट ओपन हो गया है। तो हम लोग टैब के द्वारा नीचे की ओर चलेंगे, क्योंकि माउस से तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए टैब के द्वारा नीचे चलते हैं। सर्विसेज है, सपोर्ट है, ये सारे NVIDIA की कुछ हेल्प हैं। शॉप है, डोनेट है, यहाँ पे मिला है हम लोगों के आई लाइक टू डोनेट। मीन्स अगर आप अभी आप इस समय डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके बाद टैब प्रेस करके डाउनलोड प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस समय मैं फ्री करना चाहता हूँ, तो इसलिए अप एरो को एक बार प्रेस करेंगे। स्किप डोनेशन दिस टाइम भी हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद टैब से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये एक हम लोगों को ब्लैंक मतलब खाली जगह मिला जहाँ पे हम लोगों को ईमेल आईडी पूछा जा रहा था। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी इंटर करता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दिया, tika9498@gmail.com। उसके बाद फिर से टैब से आगे की ओर चलते हैं। हाँ, ये पहला ऑप्शन हम लोगों को मिला है कि ये बोल रहा है कि ये जो टिक लगा हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो इसको मार्क रहने दे, ताकि NVIDIA का कोई भी नया वर्जन फिर से आता है दोबारा तो उसमें हम लोगों को स्टेटस अपडेटस न्यूज़ मिल जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद उसके आगे जस्ट है डाउनलोड, तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड पर इंटर प्रेस करेंगे। चूँकि मेरे पास इसका फाइल ऑलरेडी है तो मैं पूरी डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि मैंने इंटर प्रेस किया। अब ये डाउनलोड होने लगा, यहाँ पे डाउनलोड होने लगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और कंट्रोल F4 से ये विंडोज़ को मैं बंद कर देता हूँ गूगल को। अब यहाँ पर डाउनलोड फाइल आया हुआ है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपने डाउनलोड की फाइल रखी हुई है। तो मैं अपना दिस पीसी में जाता हूँ, विंडोज प्लस ई से मैं अपना दिस पीसी में जाता हूँ। अब डाउन एरो से मैं नीचे जाता हूँ, तो डाउनलोड पे मैंने अपना सेटअप फाइल रखा है। यहाँ पे मैंने रखा है NVIDIA 2016.3, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, तो इस पे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। मैंने इंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे कंप्यूटर हमको आदेश दिया कि कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। तो हम लोग कुछ देर जब तक कि ये इंस्टॉल हो जाता है सेटअप, या
अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप एग्री हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पे स्पेस से आप मार्क कर दीजिए जी यहाँ एग्री हैं। उसके बाद इंस्टॉल, ये पूछ रहा है कि आप इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल करना चाहते हैं, तो इंटर पे प्रेस करें। अब यहाँ बोल रहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू।